गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक। देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना? तो उसमें हमने बेटा क्या बता दिया था कि देखो, दो बॉडी हैं, ए और बी, ठीक है। अब इनसे इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है ना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है, ये हमने कल बताया था, आपको याद हो तो। जैसे या तो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, या जाएगा बेटा दो इलेक्ट्रॉन, या हमारे थ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसा संभव नहीं है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन जा सके, रूट तीन इलेक्ट्रॉन जा सके, ऐसा संभव नहीं होता है। तो हमने क्या बताया था, किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है। समझ में आई? कौन सी संख्या के रूप में बेटा? पूर्ण संख्या के रूप में होता है। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो देखो, किसी वस्तु पर कम से कम आवेश कितना हो सकता है? 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, जिसे अपन मूल आवेश भी कहते हैं। कौन सा आवेश कहते हैं बेटा? मूल आवेश। और इसका सूत्र मैंने बताया था कल आपको प्रीवियस लेक्चर में, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, राइट बात। यहां एन क्या है बेटा? पूर्ण संख्या, पूर्ण गुणज। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीरियर मल्टीपल, ठीक है बेटा। तो एक का मान हमारा एक दो, ये संभव मान है, ये आवेश हो सकता है इन्हीं के रूप में। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक साइंटिस्ट थे गैलमान, गैलमान, थ्योरी। तो गैलमान थ्योरी क्या है बेटा हमारी? गैलमान क्या कहता है? गैलमान कहता है कि देखो, नाभिक है, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है ना। और इन न्यूक्लियॉनों का जो निर्माण होता है वो क्वार्क कणों से मिलकर के होता है। किससे मिलकर के? क्वार्क कणों से मिलकर के होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वार्क पार्टिकल इज 6, दैट इज डी सी और आपके टीवी और यूडी, ये होते हैं। तो यूडी, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से हुए। गैलमान थ्योरी क्या कहती है? नाभिक है, तो नाभिक में कौन होते हैं बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं अपन? न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, यहां पर हम बताते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वार्क पार्टिकल इज 6, दैट इज कौन कौन से होते हैं बेटा? यूडी, सीएस और टी, ये होते हैं, ठीक है ना। यूडी, सीएस और टीबी, ये हमारे क्या होते हैं बेटा? 6 क्वार्क पार्टिकल हैं। अब इन पर जो चार्ज कितना कितना हो सकता है, इन पर आवेश कितना होगा? इन पर ये आवेश हो सकता है मैक्सिमम प्लस माइनस 2e/3 से, कितना बेटा? प्लस माइनस e/3, ठीक है ना। अब बात आती है, सर आपने जो हमको प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ाया था उन पर तो आपने ये बोला था कि जो आवेश का मान है 1/2e प्लस माइनस अंडर रूट 3e, ये सर संभव ही नहीं है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो सर यहां पर कैसे संभव हो जाएंगे? इसलिए बेटा
इनकी कोई सैद्धांतिक पुष्टि बिल्कुल अभी तक नहीं हुई है। इसलिए ये तो एक इसको मैं इसलिए करा रहा हूं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर आवेश निकालने के लिए, कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव आवेश क्यों होता है, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन उदासीन कैसे होता है, राइट बात, और इसका द्रव्यमान इसके द्रव्यमान से अधिक क्यों है। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज आपको एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं। तो देखो बेटा, यहां पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो यू और डी क्वार्क पार्टिकलों से मिलकर बने होते हैं। यहां पर बेटा यू को कहते हैं अपन अप क्वार्क कण, ठीक है ना, और डी को कहते हैं डाउन क्वार्क पार्टिकल, राइट बात। अब देखो इस पर जो चार्ज होता है ना अप पर, वो होता है यहां पे प्लस 2e/3, और इस पर जो चार्ज होता है ना डाउन पर, वो होता है -e/3, ठीक है ना। अब देखो हम प्रोटॉन है ना, जो प्रोटॉन होता है वो कौन कौन से कणों से मिलकर बना होता है बेटा, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन जो होता है ना वो देखो दो तो यू और एक डी, दो तो यू क्वार्क कण, ठीक है ना, और एक डी क्वार्क कण से मिलकर बना होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है ना वो बेटा दो डी और एक यू से मिलकर बना होता है, ये ध्यान से समझना। अब देखो इन पर यू पर चार्ज कितना है, यू पर चार्ज मैंने बताया था 2e/3 प्लस 2e/3 और बेटा बोलो -e/3, दैट इज कितना आया e। तो ये किसके बराबर हो गया, प्रोटॉन के आवेश के बराबर, ठीक है ना। तो यही तो हम पहले भी तो हम प्रीवियस लेक्चर में भी तो हमने ये पढ़ाया था कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब देखो न्यूट्रॉन पर चार्ज की बात करें, न्यूट्रॉन कितना हो गया -e/3 -e/3 प्लस 2e/3। तो देखो यहां पे ये कट गया ना बेटा, तो कितना आया न्यूट्रॉन पर चार्ज, जीरो। तो ये सिद्ध हो गया कि न्यूट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, जीरो, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, इतना होता है, ठीक है ना। गेलमान थ्योरी से हम ये समझते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि यहां पर जो यू और डी है ना, तो थोड़ा सा डी है ना यू से अप क्वार्क कण से थोड़ा सा हैवी होता है डी। यहां पे मैं लिख देता हूं mn is greater than md कौन हो गया बेटा, mu। ये समझ लेना ध्यान से, जो डाउन क्वार्क पार्टिकल है ना वो अप पार्टिकल से थोड़ा सा कैसा होता है, हैवी होता है, भारी होता है थोड़ा सा, बात समझना मेरी को। तो देखो बेटा अब इनमें जो देखो कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा क्यों होता है, अब आपकी समझ में आ जाएगी, गेलमान थ्योरी से हम समझते हैं इसको। तो देखो बेटा एक यू से एक यू कैंसिल आउट हो गया, एक डी से एक डी गया, तो ऊपर प्रोटॉन में क्या बच रहा है, केवल यू, और इसमें क्या बच रहा है, केवल डी, तो कौन हैवी हुआ, ये हुआ। तो हम लिख सकते हैं न्यूट्रॉन Mn is greater than Mb, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से अधिक होता है, राइट बात। ये इन चीजों से समझते हैं, लेकिन इनका कोई सैद्धांतिक इनकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ठीक है ना, सैद्धांतिक पुष्टि नहीं हुई है इनकी, ओके। लेकिन ध्यान रखना बेटा एक बात और बता दूं मैं आपको, यहां पे बहुत अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनों का जो अच्छा किसी बॉडी का आवेशित होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से जब दूसरी बॉडी पर जाएंगे तभी तो वस्तु आवेशित होगी, अच्छा उसमें क्वार्क कणों का तो कोई भूमिका रहती नहीं है, कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि क्वार्क पार्टिकल है ना वो तो नाभिक के अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन उनके चार नाभिक के चारों ओर अलग अलग ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो मेन इसमें रोल जो होता है आवेशन में वो इलेक्ट्रॉनों का होता है,
ठीक है ना बेटा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि आवेशन का मुख्य कारण, आवेशन का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। यह ध्यान रखना, आवेशन का जो मुख्य कारण है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। क्योंकि देखो ये दो बॉडी हैं, ये दो पार्ट ए और बी, इनसे जब जैसे इससे इलेक्ट्रॉन इस पर गए, क्या कोई प्रोटॉन जा रहा है, क्या कोई न्यूट्रॉन जा रहा है, कोई भी नहीं जा रहा, केवल कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, नाभिक के चारों ओर, तो क्वार्क कणों का तो कोई मतलब है ही नहीं वैसे भी, समझ रहे हो ना बेटा। तो इस बात को ध्यान से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो जल्दी, फिर मैं अगला न्यूमेरिकल्स में आपको कराने जा रहा हूं, काफी बेसिक्स बेटा। तो हाँ देखिए बेटा, अब है न्यूमेरिकल्स, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारी यहां पे। हाँ बच्चों देखो, मैं अभी आपको न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो ढंग से इनको ध्यान देकर के समझें, इससे आपका बेस मजबूत होगा, और कंपटीशन एग्जाम और आरबीएससी एग्जाम में काफी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के, ठीक है बेटा। देखो पहला क्वेश्चन है, विद्युतीकरण का सही परीक्षण, आप कैसे पहचानोगे कि ये मेरी वस्तु आवेशित है कि अनावेशित है, कौन से गुण के द्वारा पहचाना जाता है। तो बच्चों इस चीज का ये आंसर मैं लिख देता हूं, ये है बेटा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण गुण के कारण किसी वस्तु के विद्युतीकरण का सही परीक्षण होता है। बोलो सर कैसे, बताओ आप, बहुत शानदार टॉपिक है बेटा। देखो ये अब एक वस्तु है, आवेशित है बेटा, ध्यान से समझना, कैसी है, आवेशित, और ये कैसी है बेटा, उदासीन, ठीक है ना, ये उदासीन है। मान लो कल्पना कर लो आप, ये उदासीन है, उदासीन का मतलब टोटल चार्ज जीरो, टोटल चार्ज जीरो, इसका मतलब जितना धनावेश उतना ही ऋणावेश, बात समझ में आती है। तो देखो बेटा ये उदासीन है और ये क्या है, आवेशित है। जब ये उदासीन होगी ना, इसको मैं इसके पास ले जा रहा हूं, तो 100% आकर्षण तो होगी, होगी नहीं होगी बताओ, क्या ये वस्तु आवेशित है कोई, ये तो उदासीन वस्तु को भी, अनावेशित वस्तु को भी आकर्षित कर सकता है, नहीं आई समझ में, देखो दोबारा समझो, ये आवेशित वस्तु और ये अनावेशित वस्तु, कोई आवेश नहीं है इस पर, टोटल चार्ज जीरो। अब मैं इसके पास इसको लेके आता हूं, तो बताओ क्या करेगी ये दोनों, ये वस्तु इससे क्या करेगी, आकर्षित कर सकती है, अगर ये धातु का गोला है तो कैसे, मैंने आपको बताया था ये धातु का गोला और ये मैं आवेशित वस्तु को लेके आता हूं, धनावेशित रॉड को, तो यहां पर कौन सा आवेश प्रेरित हो जाता है, ऋणावेश, तो आकर्षण तो वैसे भी होगा, इस सिरे पर कौन सा आवेश आ गया, धनावेश, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब आकर्षण के द्वारा तो उदासीन वस्तुओं को भी आकर्षित हो सकती है, समझ में आई, तो आकर्षण तो सही तरीका नहीं हुआ। तो प्रतिकर्षण हमेशा हमेशा दोनों आवेशित वस्तुओं में ही होता है, समझ में आई, प्रतिकर्षण हमेशा दोनों आवेशित वस्तुओं में ही होता है, ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं होगा एक आवेशित हो और एक उदासीन हो और इससे ये प्रतिकर्षित हो जाए, असंभव, बात समझ में आ गई ना बच्चों, ये ध्यान रखना बेटा। तो विद्युतीकरण का सही परीक्षण कौन है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण हमेशा जब दोनों वस्तुएं आवेशित होंगी, दोनों आवेशित होंगी तभी संभव है, तो विद्युतीकरण का सही परीक्षण क्या हुआ बेटा, प्रतिकर्षण। आप देखो आवेशों के संदर्भ में आप क्या कहोगे, अगर कोई लाइन आपकी ऐसी लिखी हुई है Q1 प्लस Q2 बराबर 0, तो इसको मैं आगे सॉल्व करना चाहूं तो बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0
और Q1 बराबर माइनस Q2। देखो बराबर का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, Q1 इक्वल है Q2 के, दोनों का मान परिमाण में समान है, प्रकृति में विपरीत है। तो बेटा मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या स्टडी कराई थी, याद रखो आवेश के संरक्षण के नियम में, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न किया जा सकता, उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर रूपांतरण किया जाता है। तो सिर्फ किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी विलगित निकाय में बेटा कुल आवेश का मतलब धनावेश और ऋणावेशों का बीज गण के योग क्या रहता है, नियत रहता है। तो देखो इसको बदल लेंगे तो उसका निकाय के लिए, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। बात समझ में आ गई, आवेश एक कैसी राशि है बेटा, संरक्षित राशि है। तो आवेश के संरक्षण के नियम के पालन के बारे में ये बताता है। तो आवेश संरक्षित राशि है, ये ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट बात। अब देखो किसी धात्विक गोले को बिना स्पर्श किए आप कौन सी विधि से आवेशित कर सकते हैं, किसी धात्विक गोले को बिना स्पर्श किए कौन सी विधि, प्रेरण द्वारा, राइट बात। तो इसका आंसर हुआ बेटा प्रेरण द्वारा। नहीं समझ में, ध्यान समझना, नाभिक कौन सा है, नाइट्रोजन। 7-14 पर आवेश का मान कूलम में ज्ञात करो, नाभिक है बेटा नाभिक। तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, नहीं होते। कौन होता है बताओ जल्दी, कौन होता है, प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन, 7 प्रोटॉन। तो Q बराबर क्या हुआ, 7e, प्रोटॉन है प्लस लग जाएगा। तो Q इक्वल टू 7 प्रोटॉन पर आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ये कूलम हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कर लोगे न्यूमेरिकल बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, Q1 Q2 इज लेस देन 0, दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति बताओ, कैसा नेचर होगा बल का। अगर इन दोनों आवेशों का गुणनफल 0 से कम है, ध्यान रखना बच्चों, 0 से कम कब होगा, जब एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो उनका मान 0 से कम आता है। बात समझ में आई, जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जैसे एक ले लिया -2 माइक्रो कूलम और एक ले लिया +2 माइक्रो कूलम, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो -4 माइक्रो कूलम। देखो 0 से लेस देन 0, तो देखो बेटा ये जो मान आया है ना, ये जो मान आया है मेरा, वो 0 से कैसा है, कम है, और 0 से कम होता है तो कैसी नेचर हुआ, क्या चिन्ह आ रहा है बताओ, नेगेटिव। और नेगेटिव जब आता है तो कौन से बल को दर्शाता है, आकर्षणीय प्रकृति को। तो बेटा कौन सा बल लगा मेरा बताओ, आकर्षण बल लगा, ठीक है ना, अट्रैक्टिव नेचर होगा इसका, आकर्षणीय बल लगेगा, राइट बात। अब इसको तो आप बता दोगे, जब इन दोनों का गुणनफल 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, तो कैसे करेंगे, या तो दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों बताओ कैसे, हाँ या दोनों नेगेटिव हो, क्यों, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, तो 0 से जब ज्यादा होगा, तो जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, -2 माइक्रो कूलम × -2 माइक्रो कूलम, दैट इज क्या हो गया, 4 माइक्रो कूलम, किसमें, पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव किसको बताता है बताओ, कौन से नेचर को बताता है बेटा, प्रतिकर्षण, कैसा बल का नेचर होगा बताओ, ये प्रतिकर्षण बल लगेगा, राइट बात। कौन सा बल लगेगा बेटा, प्रतिकर्षण बल लगने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नोट करें, नोट हो गया सभी का। अब देखो अब क्या होगा बेटा, अब देखो ये है, ये दो गोले, ये कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं बेटा दोनों, ये भी एक कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है,
ये बोला ए और ये बोला बी। बात समझ में आ रही है? सब दिखाई दे रहा है? हाँ, नोट तो हो गया ना। हाँ, तभी बाद में मिटाया बेटा आपसे पूछ के। अब देखो ये धनावेश त्रिकोण लाया हूं मैं इसके पास, तो बताओ ए और बी गोले पर कौन सा आवेश आएगा? ए गोला कौन से आवेश से आवेशित होगा और बी गोला कौन से आवेश से आवेशित होगा? तो ध्यान रखना बेटा, ये कांच की छड़ है मेरा, ये कांच की छड़। अब इसको जब मैं इसके पास लाया तो कौन सा आवेश आकर्षण बल के द्वारा? नेगेटिव आवेश आ गया इसका। इस आवेश पर, इस गोले पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कौन सा आवेश आ गया बताओ? धनावेश। जितना ऋणावेश उतना धनावेश। अब ध्यान रखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था तभी मैं इसको करा रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था? ये दो गोले ऐसे सटा के दे दिए थे, आवेश नहीं दर्शाया था, आवेश तो मैंने बाद में दर्शाया ना। ए और बी गोले पर कौन कौन से आवेश होगा, कौन कौन से आवेश से आवेश होंगे? कांच की छड़ लेके आया मैं धनावेश, तो इस सिरे पर कौन सा आवेश आएगा? ऋणावेश। कौन से बल के कारण? आकर्षण बल के कारण। देखो ऐसा समझ लो, ये कौन सा बल लग रहा है इसके बीच में? आकर्षण। और बेटा ये धनावेश और धनावेश के बीच में बताओ प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब देखो ये आकर्षण बल लगा और ये कौन सा लगा बताओ? प्रतिकर्षण बल। अब सुनो, अगर मैं पहले इस रॉड को ले जाऊं, कौन सी रॉड को? इस वाली को, तो बेटा ये आवेश तो गायब हो जाएगा, ये तो केवल आकर्षण बल के द्वारा ही तो ऋण आवेश यहां पे उत्पन्न हुआ है। देखो कांच की छड़, अब ये बात कर ली, दोनों में क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा, इनमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है ना। अब समझो, देखो अगर मैं पहले इस रॉड को हटाऊं तो बेटा ये ऋण आवेश, जितना ऋण आवेश है ना उतना ही मेरे पास धनावेश उत्पन्न हुआ था, तो ये आवेश क्या हो जाएंगे? दोनों गायब हो जाएंगे। तो पहले मुझे इस वाले गोले को थोड़ा सा हटाना है, तो देखो अगला स्टेप, तो ये जब इसको हटाऊंगा, ये गोला ए और ये गोला, ज्यादा दूर नहीं हटाया, थोड़ा सा पास में हटाया है मैंने इसको। तो देखो बेटा, अब मैंने इसको हटाया तो ये आवेश धनावेश त्रिकोण, राइट बात, इस पर कौन सा आवेश? ऋणावेश। इस पर कौन सा आवेश? धनावेश, राइट बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, जैसे ही मैं इस रॉड को, अब देखो इस रॉड को मैं दूर ले जाऊंगा तो ऋणावेश इस पर फैल जाएगा, धनावेश इस पर फैल जाएगा। अब मैं रॉड को हटा देता हूं और रॉड को जैसे ही मैंने हटाया, तो बेटा स्वतंत्र रूप से इस पर तो कौन सा आवेश? ऋणावेश फैल गया और इस पर बेटा धनावेश फैल गया। तो ए गोला और बी गोला के बारे में बात करें तो ए गोला कैसा आवेशित हो गया? ऋणावेशित। और बी गोला कैसा आवेशित हो गया? धनावेशित। तो हमारा आंसर आ गया, ए गोला हो गया बेटा कैसा? ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज आ गया। ए गोले पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और बी गोले पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ गई, ये न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर है। अपनी बुक का तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, एक कप जल में मापे, उसकी क्वांटिटी मात्रा दे रखी है 250 ग्राम में, धन तथा ऋण आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया, रब कर दूं, बेटा एक कप जल है, एक कप है हमारे पास, ठीक है ना, इसमें बेटा 250 ग्राम क्या भरा हुआ है बताओ? जल भरा हुआ है, 250 ग्राम जल है, राइट बात, इसमें धनावेश और ऋण आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि सर अच्छा इस समय जल है वो कैसा है बताओ मेरे लिए बेटा, कैसा जल है? उदासीन। तो उदासीन है तो इसमें धनावेश
की जितनी मात्रा होगी, धनावेश की जितनी मात्रा होगी उतनी ही ऋणावेश की मात्रा होगी। बात समझ में आती है ना, जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा। बात समझ में आई, क्लियर? चले आगे देखो। तो सबसे पहले बेटा इसका, इसमें मुझे अणुओं की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले बेटा हम क्या ज्ञात करें, तो देखें इधर इसका अणुभार निकालें, इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जल का अणुभार किसका बेटा, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो कितना होगा, एक प्लस कितना 16 है, इक्वल टू 18। इसका अणुभार कितना आया बेटा, 18। अब इसमें देखो किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। बात समझ में आई, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें बेटा, H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 और ऑक्सीजन में कितने 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन 1 प्लस 8 इक्वल टू 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें मुझे क्या निकालनी है, धनावेश और ऋणावेशों की संख्या। तो देखो H2O में एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन 10, अणुभार कितना 18। तो 250 ग्राम जल में बेटा मैं पहले अणुओं की संख्या ज्ञात कर लेता हूं। तो 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, तो 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या का सूत्र होता है एम बटे कैपिटल एम इंटू एम। पढ़ रखा होगा आपने, ये है स्मॉल एम मात्रा, स्मॉल एम है उस पदार्थ की मात्रा, और इस मात्रा को, उस पदार्थ की मात्रा को किस में लिया जाता है बेटा, यहां ग्राम में। कितनी मात्रा है बेटा यहां, 250 ग्राम। एम बराबर कितना है, एम कैपिटल एम अणुभार 18, और अवोगाद्रो संख्या आप जानते हो, उसमें रख देते हैं डायरेक्ट, एन बराबर 250 बटे अणुभार 18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है बेटा, अब इसको अपन सॉल्व करके लाते हैं, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो बेटा ये कितना आता है, आपका आता है 0.83 इंटू 10 की पावर 25 अणु, इतने अणु होते हैं। तो देखो एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन 10, कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो H2O के एक अणु पर आवेश निकालो, H2O के एक अणु पर आवेश, आवेश कितना, एक अणु पर आवेश Q बराबर क्या होता है N, आवेश निकालना N। अच्छा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 10, ठीक है ना बेटा, Ne आ गया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। तो इतने अणुओं में, कितने में अणुओं की संख्या कितनी है, 0.83 इंटू 10 की पावर 25 अणुओं में आवेश, तो Q बराबर 10E इंटू 0.83 इंटू 10 की पावर 25, या 10 इंटू 8.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 0.83 इंटू 10 की पावर 25। दैट इज, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसकी पावर को काट ले अपन, और पावर को काटने पर बेटा देखो ये कट गया, तो ये आता है हमारा लगभग अप्रोक्सली 1.32 इंटू 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई ना, 1.32 इंटू 10 की पावर 7, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, एक गई 18 बची, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 25 में से 18 इनको गुणा करके लाते हैं, मल्टी कितना आता है, इतने इलेक्ट्रॉन। अच्छा इतने इलेक्ट्रॉन जब इससे जाएंगे, इतना इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उदासीन है ना, ध्यान रखो जल कैसा है इस समय, उदासीन, तो जितना इसमें ऋणावेश होगा ना, जितना इस पर ऋणावेश होगा उतना ही इसमें क्या होगा, धनावेश, क्योंकि इस समय जल कैसा है, उदासीन। तो बेटा जितना प्लस और उतना
माइनस। क्लियर हो गया न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गया, नोट कर लो बराबर। आओ अगला क्वेश्चन देखें बेटा, पर जल्दी नोट करें बराबर। हाँ बच्चों ये क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट छाप वो तो नोट कर लिया ना। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको आज इस क्वेश्चन से एक बात समझ में आ गई आ जाएगी कि एक कूलम आवेश कोई छोटा मोटा आवेश है कि बहुत बड़ा आवेश है। आवेशन की क्रिया में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में 10^9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड की दर से स्थानांतरित हो रहे हैं, तो बताओ एक कूलम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। तो बेटा देखो इसका सॉल्यूशन अपन करने जा रहे हैं, 10^9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड की दर से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, तो ध्यान रखना एक सेकंड में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, 10^9। तो एक सेकंड में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, आवेश बताओ कितना आवेश होगा, 10^9 इन ई इतना आवेश होगा। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, 10^9 इंटू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, ये कट गया बेटा 1.6 इंटू 10^-10 कूलम, इतना आवेश स्थानांतरित, मतलब एक सेकंड में इतना आवेश स्थानांतरित हो जाता है। अब देखो इसको मैं अगर उल्टा लिखता हूं तो देखो कैसे लिखा जाएगा, 1.6 इंटू 10^-10 कूलाम को स्थानांतरित होने में लगा समय, बेटा कितना समय लगता है इसको स्थानांतरित होने में बताओ, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, एक सेकंड में कितना आवेश स्थानांतरित हो रहा है, 1.6 इंटू 10^-10 कूलाम, तो बेटा इसको स्थानांतरित होने में कितना समय लगा, एक सेकंड, तो बताओ कितना आवेश मुझे स्थानांतरित करना है, एक कूलाम, तो एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित होने में लगा कुल समय बेटा 1/1.6 इंटू 10^-10 इंटू 1, समझ में आई। तो देखो इसको मैं सॉल्व करने जाता हूं तो ये बेटा 0.625 इंटू 10^10 क्या है ये सेकंड, इसको अब ये तो सेकंड में आया है, इसको आप घंटे में चेंज करें, वर्षों में चेंज करो, ध्यान रखना बच्चों। थोड़ा सा मैं आपको अलग से और पढ़ा देता हूं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, राइट बात, एक दिन में कितने घंटे होते हैं बेटा, 24 घंटे, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड, तो एक वर्ष में कितने सेकंड हुई, सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ध्यान रखना इसकी मैंने एक ट्रिक बना रखी है, एक वर्ष में कितने सेकंड हुए सभी का मैं मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, 365
इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 वन वर्ष ईयर इक्वल टू 3.15 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड। अरे वाह सर वाह, ठीक है ना। तो आपको न्यूमेरिकल शो में बहुत काम आता है बेटा ये। तो एक वर्ष में हमारी कितनी सेकंड हुई, इतनी। अब मैं एक सेकंड को अगर वर्ष में बदलूं तो इसका क्या लगा दिया जाएगा बेटा, भाग। तो एक सेकंड इक्वल टू 1/3.15 इंटू 10 की पावर 7। तो देखो बेटा लगा समय स्मॉल टी इक्वल टू 0.625 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 3.15 इंटू 10 की पावर 7, ये आता है। अब मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं, तो इसको सॉल्व करता हूं ना बच्चों, तो लगभग इसका आंसर आता है 200 वर्ष। अरे भगवान, कितना 200 वर्ष बेटा। देखो ध्यान रखो, एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा बेटा, 200 वर्ष। अगर किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर एक कूलाम आवेश है और उसको मैं स्थानांतरित करना चाहूं तो लगभग 200 वर्ष लग जाएंगे। तो बच्चों एक कूलाम आवेश कोई छोटा मोटा आवेश नहीं है, ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, कोई छोटा मोटा आवेश नहीं है, बहुत बड़ा आवेश है। बात समझ में आई, तो ध्यान रखना। इसीलिए बेटा हम, आपको देखा होगा जो भी हम न्यूमेरिकल्स कराते हैं ना, जितनी भी बुकों में, चाहे वो कंपटीशन की हो, चाहे वो एकेडमिक क्लास, कोई सी क्लास की फिजिक्स हो, जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उनमें जो भी आवेश का मान आएगा, या तो बेटा एक मिली कूलाम लिखा हुआ आएगा, या एक नैनो कूलाम, या एक माइक्रो कूलाम, राइट बात, या एक पीको कूलाम, समझ में आ गई। तो इसका मान 10 की पावर -3 कूलाम, ये बता दिया है मैंने पिछली क्लास में, वैसे 10 की पावर -6 कूलाम, 10 की पावर -9 कूलाम, 10 की पावर -12 कूलाम, ये ध्यान रखना, जिनको हम पूर्व लग्न कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पूर्व लग्न। तो आज की मैंने क्लास में बेटा आपको न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स कराए। अब आप अपनी बुक खोल के देखोगे, सारे न्यूमेरिकल्स आप कर हो जाएंगे इस कॉन्सेप्टों के ऊपर जो भी मैंने यहां तक पढ़ाया है। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कूलाम का नियम पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। धन्यवाद।